Good morning, dear students and respected parents. How are you all? I hope you all are fine and safe. तो आज हम mathematics का addition chapter आगे continue कर रहे हैं. तो देखिए यहाँ पे add. हमने पिछले class में सीखा था add करना. Add यानी plus करना. ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे linings वाली add करना. यहाँ देखिए लिखा है 4 और उसके सामने 4 line बना हुआ है. उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है 3 और सामने 3 लाइन बना. अब 4 और 3 लाइन को जोड़िए. 4 और 3 कितना हो गया 5 6 7. तो यहाँ लिखा 7 और यहाँ बना दी 7 लाइन. सेम ऐसे आपको यहाँ करना है. यहाँ देखो 4 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है, तो कितना होगा टोटल 4 और ये 5 और ये 6, तो हो गया 6 लाइन. और आप यहाँ 6 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6. ठीक है. सिमिलरली देखिए ये वाला है 2 और 2, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 2 3 4. तो यहाँ क्या लिखेंगे 4. ऐसे ही आपको बाकी सब करना है. जैसे यहाँ देखिए 2 और 3, तो कितना होगा पहले 1 2 और फिर 1 2 3. टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5. तो आप लिखेंगे 5. ठीक है. फिर यहाँ देखिए 1 और 4, तो 1 और 1 2 3 4, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5. तो ये हो गया 5. ठीक है. तो एज इट इज़ आपको ये सारे ऐड करना है और ये आपका होमवर्क रहेगा. ठीक है. उसके बाद चलिए आगे. अब देखिए एडिशन ऑफ ज़ीरो. ज़ीरो यानी कुछ भी नहीं. ज़ीरो मीन्स नथिंग. ठीक है. अगर मेरे पास 7 एप्पल्स हैं और अगर मेरे भाई ने मुझे 0 एप्पल दिए यानी एक भी एप्पल नहीं दिए, तो अब मेरे पास कितने एप्पल हो गए? 7 ही रह गए. यानी कभी भी हम किसी भी नंबर से 0 को जोड़ते हैं तो वो नंबर वैसा ही रहता है. अगर 7 है तो 7 रहेगा, 12 है तो 12 रहेगा. 0 से कोई अंतर नहीं पड़ता. ठीक है. यहाँ देखिए 7 एप्पल्स हैं इस प्लेट में और इस प्लेट में 0 एप्पल है, तो टोटल कितने एप्पल हो गए? 7. और यहाँ तो एक भी नहीं है तो 7 एप्पल ही होंगे. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर कितने एरोप्लेन हैं? 2. यहाँ पे कितना एरोप्लेन है? 0. तो टोटल कितने एरोप्लेन हो गए? 2 हो गए. अब यहाँ देखो यहाँ पे कितने 1 2 3 4 4 टेडी बियर है. यहाँ पे कितने टेडी बियर है? एक भी टेडी बियर नहीं, तो क्या होगा जाएगा 0. और यहाँ क्या 1 2 3 4. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए कितने डक हैं? 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ हमने लिख दिया 6. अब यहाँ तो कुछ दिया नहीं. अब देखो यहाँ कितने डक है? इक्वल टू के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी बराबर है. मतलब यहाँ पे 0 जोड़े हैं क्योंकि यहाँ देखो बॉक्स खाली, यानी 0 डक हैं. ठीक है. अब देखिए एडिशन ऑफ 10. द नंबर 10 कैन बी पुट टुगेदर इन नंबर ऑफ वेज. 10 को कैसे जोड़ते हैं? ठीक है. देखिए पहले वाले में कितने फ्लावर हैं? 1 2 3 4 5 6. 4 यहाँ कितने फ्लावर हैं? 4. और 6 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 10. ठीक है. वैसे देखो यहाँ कितने सनफ्लावर है? यहाँ 7 है. यहाँ कितने हैं? यहाँ 3 है. तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10. ठीक है. 1 0 10. यहाँ देखो कितने फ्लावर्स हैं? 9 और 1. और 9 के बाद 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 10. ठीक है. यहाँ देखो यहाँ कितने फ्लावर्स हैं? 8. यहाँ कितने हैं? 2. तो टोटल कितना हो गया? 10. यहाँ देखो कितने फ्लावर्स हैं? 5. यहाँ कितने फ्लावर्स हैं? 5. तो 5 और 5 हो गया 10. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा. बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. ओके. थैंक यू.